जी दोस्तों, आज हम रायपुर विधानसभा की पश्चिम विधानसभा की जो सीट है उसको लेकर चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद है। चारों पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, उनसे मैं आपको मुक्त करा देती हूँ। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा में बीते 5 सालों में विकास हुआ नहीं हुआ, क्या वहाँ के मुद्दे हैं, किन मुद्दों का सामना वर्तमान विधायक को करना पड़ेगा, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं पहले तारुण स्वागत हूँ अपने मेहमानों का। उत्तम जायसवाल हमारे साथ है, आप पार्टी से प्रदेश सचिव है। अशोक पांडे जी हमारे साथ है, भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य है, भाजपा के सीनियर लीडर अशोक जी। नितिन भंसाली जी हमारे साथ मौजूद है, मीडिया देखते हैं अजीत जोगी की पार्टी का, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के वो लीडर है। सुबोध हरिपाल हमारे साथ है, कांग्रेस के वो युवा उभरते हुए नेता है। और जिस तरह से पश्चिम विधानसभा में जब हम लोग ये बात कर रहे थे जाके इस पूरे कार्यक्रम के पहले कि कौन से संभावित चेहरे चुनाव लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सुबोध हरिपाल का नाम हमने वहां सुना। नितिन भंसाली आपका भी नाम हमने सुना, इसलिए हमने आपको बुलाया आप लोगों को खासतौर पर, कि मुझे लगता है हो सकता है आप लोग उस इलाके से शायद अपनी अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़े। तो आप सबका स्वागत है, आप सबका भी स्वागत है जो अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आपके ही विधायक वहां से इस वक्त है कार्यरत, और न केवल विधायक है, कैबिनेट मिनिस्टर है राजेश मूणत, डिप्टी मंत्री है, आवास पर्यावरण विभाग उनके पास है, और एक बड़ा चेहरा भाजपा का राजेश मूणत माने जाते हैं। क्या लग रहा है आपको, अब उसी विधानसभा सीट से वो तीसरी बार मुझे लगता है इलेक्शन लड़ेंगे, और ऐसे नहीं विधानसभा चुनाव वो चौथी बार लड़ेंगे लेकिन रायपुर पश्चिम से वो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, मेरे कहने का ये मतलब। तो क्या लगता है आपको, एंटी इनकम बैलेंस जैसी कोई चीज वहां पर नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। आज 14 साल से हमारे राजेश मूणत जी वहाँ से पश्चिम विधानसभा, पहले ग्रामीण विधानसभा थी, उसके बाद लगातार दूसरी बार पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और जहाँ तक विकास की जो बातें हैं, आप आम मतदाताओं से ही पूछ लीजिए कि किस द्रुत गति से वहाँ विकास हुआ है। हमारे राजेश मूणत जी अगर किसी भी काम को अगर वो लेते हैं तो उस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहती, पूरे काम को अमली जामा पहना कर ही छोड़ते हैं। लगातार जिस प्रकार रायपुर पश्चिम विधानसभा की तस्वीर बदली है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि रायपुर शहर में अगर कोई व्यक्ति आज से 5-10 साल के बाद अगर रायपुर आ रहा है तो वह देखता है, अगर पश्चिम विधानसभा की ओर जाता है तो वो बोलता है कि कहाँ से नई नई सड़कें बन गई, नई नई पुलिया बन गई, नए विद्यालय खुल गए, नया ऑडिटोरियम बन गया। इस प्रकार अनेक जो योजनाएं पूरे पश्चिम विधानसभा में देखते ही बनती है, मतलब आपको आपका ये कहना है कि आपके उस इलाके के जो मतदाता है वो संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। लेकिन ऐसा लगता है जो चीजें अभी आपने गिनाई, अभी आपसे आती है मौजूद तौर पर, ये सब ये जो 5 साल बीते उसमें थोड़ा सा वहाँ काम राजेश मूणत ने किया है, 10 साल से वो विधायक है उन क्षेत्र के। नहीं नहीं नहीं, 10 साल एक लंबा अरसा होता है अशोक की तस्वीर बदलने के लिए, और वो तो अब चौथी बार लड़ेंगे इलेक्शन। 2003 में रायपुर ग्रामीण से लड़ा और जीते थे, उस समय तो विधानसभा सीट हुआ ही नहीं था रायपुर पश्चिम। तो जो विकास होना चाहिए था पिछले 15 सालों में, क्या उस स्तर का विकास हो पाया रायपुर पश्चिम में? मैं तो कहता हूँ उससे कहीं ज्यादा विकास हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर अभी एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे का जो है रायपुर रेलवे स्टेशन से केंद्रीय तक का, जिसमें माना अभनपुर और नई राजधानी का जो हिस्सा आ रहा है, जहाँ पर पहले छोटी लाइन के रूप में जाना जाता था, रायपुर धमतरी लाइन के रूप में जाना जाता था। तो जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे प्रदेश की सरकार ने आग्रह किया कि यह जो छोटी लाइन है घाटे में चलती है, अगर यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे अगर बना दिया जाएगा तो लोगों के आवागमन में बहुत सुविधा होगी। लेकिन केंद्र सरकार ने उसमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई, उसके बाद द्रुत गति से एक्शन लिया गया और तुरंत राज्य सरकार की मांग पर वहां पर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया गया। 5 सालों से काम हुआ है, गिना रहा हूँ, यह अभी की बात कर रहा हूँ, इसके पहले आप 10 साल के पहले देख लीजिए, जहाँ पर काटीबंध का जो आज मैं जरा इधर आपके प्रतिनिधि पूछ लूँ, विकास जी कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में छत्तीसगढ़ में काम करती रही है, अब तो क्या अलग बात है कि अजीत जोगी ने अपनी पार्टी बनाई जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, तो आपका एक तीसरा मौका मिला, आप भी इस बार सक्रिय है आम आदमी पार्टी, तो ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी ये मानते हैं कि कांग्रेस की प्रमुख विपक्षी दल है, अशोक पांडे जी की बात से कितना सहमत है, लेकिन बहुत पॉलिटिकल बयानबाजी मत कीजिएगा, आप कुछ तथ्यात्मक बता सकते हैं तो बताइए। मैं देखिए वही निवास करता हूँ, मैं तो अपने बचपन से रायपुर में ही रह रहा हूँ, ग्रामीण हुआ करता था,
अगर सड़कों पर परत दर परत डामर चढ़ाने को आप विकास कहते हैं तो ऐसा विकास जनता को नहीं चाहिए। सड़क आपने बनाई है तो क्या 20 साल में 15 साल में सड़कें नहीं बनाएंगे आप जनता के? सड़क पानी नाली और बिजली अगर आप जनता को दे रहे हैं तो आप जनता पर एहसान नहीं कर, वो उनका मूलभूत अधिकार है, वो मूलभूत सुविधाएं उनको देना आपका काम है। लेकिन अगर व्यवस्थित रूप से दे दी जाए कि सरकार के द्वारा, कोई कहना चाहता हूँ, 15 साल में जब आपके पास हजारों करोड़ का बजट है तो आप अगर सड़कें भी ना बना पाए तो फिर तो आप फिर तो सड़क आप बनाएंगे, वो आपका काम है बनाना। कह दिया अशोक पांडे जी ने हमने ऑडिटोरियम बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ उस ऑडिटोरियम का किराया क्या है? क्या एक आम व्यक्ति अपने काम के लिए उस ऑडिटोरियम को हायर कर सकता है? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उसका किराया है। राजेश अग्रवाल जी जेसीआई वाले देते हैं फ्री में अपना ऑडिटोरियम। तो बनाना था तो जनता के लिए कुछ ऐसी चीज बनानी थी जो फ्री होती। अगर आपने सरकारी पैसे से एक बहुत भव्य भवन बना दिया दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम को प्रचलित करने के लिए तो उसका एहसान आप जनता पर मत मढ़िए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी अशोक पांडे जी ने कहा कि हमने महाविद्यालय की स्थापना की, विश्वविद्यालय की जो भी स्थापना की उन्होंने बात की। मैं आपको चैलेंज करता हूँ 2004 से 2018 का ये जो अभी बजट आया था इसमें इन्होंने कहा कि हम महाविद्यालय एक दक्षिण में सैंक्शन किया, एक पश्चिम में सैंक्शन किया। उसके पहले मुझे एक सरकारी स्कूल बताएं जो नई बनी, मुझे उसके पहले एक सरकारी विद्यालय महाविद्यालय बताएं जो नया बन, अब मैं आपको बता दूंगा जो बंद हुआ। तो सवाल और पूछना एक बात और बता, लोगों के घरों को तोड़ा आपने, उन्हें मुआवजा नहीं दिया आपने, उन लोगों के घरों को तोड़ करके सड़कों का जाल बिछा दिया, आपका धन्यवाद। आपने कहा कि हम सरकार को अतिक्रमण हटा सकते हैं, नहीं अतिक्रमण रामनगर में जो हो रहा है वो क्या है, वो अतिक्रमण थोड़ी है। रामनगर के लोगों ने इसके लिए आपको जानकारी होगी, हाईकोर्ट से परसों स्टे आया। तो अगर आपका अतिक्रमण है, आप गलत हैं और हाईकोर्ट आपको साथ दे रहा है, मतलब हाईकोर्ट भी गलत है। नहीं ये अपन कैसे कह सकते हैं, कोई एक विकास का जो फॉर्मूला या मॉडल है उसको समझते हुए, ये तो होता है। नहीं मैं उस पे जाऊंगा, मैं आपके विरोध में नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये एक सामान्य प्रोसेस का भी हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि 60 फीट की सड़क बनाना है और आप लगभग 72 फीट का अतिक्रमण कर रहे हैं, ये तो गलत। तो इस तरीके का करना कोई अगर विकास कहता है तो मैं इसे विकास करता। तीसरी बात, आज भी कचड़ों का ढेर है, चाहे आप रामनगर की बस्तियों में चले जाइए, चाहे आप रामपुर में चले जाइए, आपके पास की महापौर बैठे तो क्या नगर निगम, नगर निगम का साथ देना है। और दूसरी आखिरी चीज बताना चाहूंगा, कोटा में भगवान भाई रहते हैं, यहाँ बैठे हुए अलग पार्टी से, पहले हम साथ में काम किया करते थे, नालियां बजबजा रही है वहां पर। जब समता कॉलोनी एक प्राइम कॉलोनी कही जाती है, मेरा ऑफिस है वहां पर, मेरा पुराना घर है, मैंने उसे अपना कार्यालय बना रखा है। जब पानी का सीजन आता है तो मेरे कार्यालय के अंदर आज तक पानी आता है। क्या व्यवस्था, ऐसी मदद क्या करते हैं राजेश मूर्त जी नगर निवासी क्षेत्र के, तो आपकी पिल्ला भी चाहे। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये सब विकास है तो ऐसा विकास, और मैं अंतिम बात एक मिनट भैया को एक मिनट मैं अंतिम बात के लिए रोकना चाहूंगा कि 4 बार इन्होंने चुनाव लड़ा, एक बार चार बार इन्होंने 3 बार इन्होंने चुनाव लड़ लिया अभी तक, जिसमें से एक बार इन्होंने जीता शायद 38-36 हजार, कितने वोट थे मुझे याद नहीं आ रहा, पर 38 हजार के आसपास से इन्होंने चुनाव जीता तरुण दादा, फिर इन्होंने चुनाव जीता 14 हजार, फिर इन्होंने चुनाव जीता 6160 मत। तो ये जनता का विश्वास खो रहे हैं, जीत नहीं। जिस तरह का विकास रायपुर पश्चिम में होना था, हम रायपुर राजधानी में रहते हैं, उसकी एक सीट है विधानसभा सीट रायपुर पश्चिम, वहां से एक ऐसे व्यक्ति विधायक है जो लगातार सरकार में मंत्री है, वो अपने आप में बहुत पावरफुल माने जाते हैं, उनकी बात ऐसा करता है कि वो चीफ मिनिस्टर के राइट हैंड है, मतलब मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर है, तो उनके इलाके में कितना विकास हुआ है, उससे कितनी संतुष्टि है? और अगर यदि आप, चलिए आप नहीं, आपकी पार्टी भी वहां से कैंडिडेट उतारेगी, आप चुनाव लड़ते हैं मैं ये शब्द नहीं बोलती क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर अपनी बात को शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन कहूंगा, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा, बड़ा महिमा मंडल अभी हमारे भाई पांडे जी कर रहे थे, ये विकास हुआ, ऑडिटोरियम बनाया, स्कूल बनाए, महाविद्यालय बनाए, लड़के बनाए, सड़कों को तो चलो सुबोध हरिद्वाल ने धो दिया अभी इनकी की बर्फ डामर के बर्फ से बर्फ चढ़ाते। मैं क्वेश्चन करूंगा पांडे जी, फ्लाई ओवर बनाई तो बोला इतना बड़ा छल किया आपने राज्यवासियों को,
मुझे शर्म आती है, मैं रायपुर राजधानी में रहता हूँ, जिस राजधानी में चार विधानसभा के सीटों में तीन विधायक भारतीय जनता पार्टी से है और जिसमें दो कद्दावर मंत्री हैं, एक तो आपने स्वयं कहा कि मुख्यमंत्री जी के राइट हैंड है, दूसरे तो मुख्यमंत्री के प्रतिद्वंदी है। तो जब वो इस प्रकार से देखिए, राजधानी में चार सीटें, मैं तो चारों सीटों में बात करूंगा, महत्वपूर्ण रोल होता है पीडब्ल्यूडी विभाग का। आज पीलिए से लोगों की जाने जा रही है, हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, हाईकोर्ट को ये निर्देश देना पड़ रहा है कि आप 34,000 लोगों के व्यवस्थापन की, उनके रहने की, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करें। ये राजेश मूणत जी, आदरणीय राजेश मूणत जी, ये नगरीय प्रशासन मंत्री भी रहे 15 वर्षों में, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे 15 वर्षों में, परिवहन मंत्री भी रहे 15 वर्षों में, रातों रात चेक पोस्ट कैसे बंद हुआ था, कोई नहीं बुलाया, कमीशन खोरी की सरकार है, महिमा मंडल करना इनका काम है। पांडे जी पार्टी की तरफ से आए हैं, निश्चित तौर पर वो अपनी बात रखेंगे क्योंकि तो इनको अपने वहां नंबर बढ़ाने हैं। लेकिन जो चीजें मैं तो देखिए, मुझे तो मैं ग्लिट्स डॉट इन को धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं पश्चिम से चुनाव लड़ने की सोच भी रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है आपने मुझे बताया कि आपके सर्वे में कहीं ऐसी बात आई है, तो निश्चित तौर पर जब पश्चिम विधानसभा से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप घबरा रहे हैं कि पश्चिम विधानसभा, मेरे को घबराहट है, ध्यान उत्तर है, मैं तो राजधानी वासियों की बात करूंगा भैया, मैं एक पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। आज पीलिए से शर्म आ रही है, राजधानी में जब पता चल रहा है कि जब पाइपलाइनें गटरों के अंदर से जा रही है और मंत्रालय में 15 दिन फाइल चल रही है और बाद में फाइल वापस आती है और कुछ नहीं कर पा रहे, मैं तो इसको कांग्रेस को भी निशाने पर लूंगा, बिल्कुल लूंगा, महापौर है वो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इसमें। खाली हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके खाली हम राजनीति नहीं कर सकते, ये मुद्दा जनता से जुड़ा मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दों पर दोनों दलों को, आज हम भी दल है, हम तो राजनीति नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ, कहा मुझे मैं घबरा रहा हूँ, मुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्या मुझे मेरे पार्टी के नेता बोलेंगे लड़, तो मैं बताऊंगा फिर कि किस में कितना है दम, हमारे पास और भी योग्य कैंडिडेट है, हमारी पार्टी में जो फैसले होते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जो फैसले होते हैं उसका बिल्कुल बात है, आपने पहले उठाई है, मैं थोड़ा सा उत्तम जी के पास ले जाऊँ, फिर मैं वापस अशोक जी के पास आऊंगी, इस पर अशोक जी अपना माइंड खुद कर लेंगे। उत्तम जी, अब आम आदमी वो भी अपना भविष्य आजमाने जा रही है छत्तीसगढ़ में, सभी सीटों में लगभग आप भी अपने कैंडिडेट पाने की तैयारी कर रहे हैं, एक आप लोगों ने गलती अपनाई है कि आप कोई भी आई चुनाव लड़ सकते हैं अगर आप योग्य हैं तो, आपने उसके लिए प्रक्रिया भी, लेकिन मुद्दे तो आपके अपने ही होंगे, कुछ मुद्दे होंगे आपके, और जब हम रायपुर पश्चिम विधानसभा की बात करते हैं तो क्या एक नई पार्टी इस नाते कह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो आप नए हो, कोई बहुत अस्तित्व नहीं है यहाँ पे आपका, तो नई पार्टी के नाते क्या आप लोगों ने कोई स्टडी की रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कुछ स्पेशल कुछ मुद्दे आपके पास है? देखिए अशोक जी ने जो कहा, अशोक जी ने क्या कहा, आप भी तो अशोक जी के पीछे पड़े हो, आप उसकी बात मैं तो ये कह रही हूँ, हम जनहित की बात करें, मैं तो वही कह रही हूँ भाई, आप कहिए ना अपनी बात, जनता पश्चिम विधानसभा की जो जनता है वह त्वरित कार्रवाई चाहती है, किस बात, चाहे किसी भी शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, हम पश्चिम विधानसभा का सर्वे कर चुके हैं, हमारा संगठन बूथ स्तर तक का बन गया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, रामनगर में, पश्चिम विधानसभा के रामनगर में और खमतराई में जिस विकास की बात कर रहे हैं अशोक भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के न्यूज़पेपर में जिस बैक्टीरिया की जानकारी मिली है, जो मन में हुआ करती है, वो पीने के पानी में है, ये विकास है, विकास ये है। और पिछले तीन बरस से हम वहाँ पर, मैं पश्चिम विधानसभा का निवासी हूँ, तो मैं भी वहाँ पर निगम की लड़ाई भी मैंने लड़ी है, गली नंबर 3 से गली नंबर 6 तक मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए का खर्च है, और उसमें वो जो नाली का जो पानी है, गटर की लाइन से पानी जाती है, उसको आज तक ना कांग्रेस ने सही कर पाया, ना ही भाजपा ने सही कर पाया। हमने राजेश मूणत को भी इस बारे में, उनके पार्षद को घेराव किया था और उनको ये बात संज्ञान में ली थी। मैं पार्षद आपका बीजेपी का जी, पार्षद बीजेपी का है, कांग्रेस का भाई, पहले सुधार लो आप अपनी जानकारी नहीं यार, आधी अधूरी जानकारी के साथ आप डिबेट में मत आइए ना, देखिए आपके खिलाफ की बात कर रहे हैं, मैं रामनगर का दोनों पार्षद, मेरी बात चलो ठीक है, कांग्रेस का मेरी कांग्रेस का अरे भाग हुआ है, पहले तो बोला पता नहीं की सुधारने के नेता की नहीं होनी चाहिए, आरोप लगा रहा है, आप एमआईटी क्या कर रही है, आप महापौर क्या कर रहे हैं,
तीन साल पहले डरा मत भैया, ये तीन साल पहले की बात थी जब हमने वहाँ भाजपा के पार्षद का घेराव किया था और आज तक वहाँ पर वो कार्रवाई नहीं। कांग्रेस के पार्षद को भी अप्रोच किया लेकिन हमको मालूम है ना नहीं होगा कार्रवाई। कैसे पता आपको? हमने जितना हमारी जितनी मांग है, जितना हमको लगता है कि जितना हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, उतनी लड़ाई लड़े। अब नहीं हो सकता तो लड़ाई एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जनता को आंदोलित कर रहे हैं, हम जनता को हमारे साथ में आंदोलित कर रहे हैं। अशोक जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, लगातार मौतें हो रही है शहर में हमारे और रायपुर पश्चिम का एक इलाका भी पीलिया से ग्रस्त है। कुछ बात जानी है, मामला बहुत संजीदा और संवेदनशील है, बिल्कुल राजनीतिक मसला नहीं है। पाइपलाइन गटर से मिक्स है, क्योंकि नहीं ये प्रोसेस कैसा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कैसे हो गया, लेकिन हाँ अभी ये जो नया अपडेट आया, जो सारे अखबारों में हमने पढ़ा, हमने भी खबर बनाई कि जब नगर निगम मांग करता है डिपार्टमेंट से, मंत्रालय से कि आप फंड दीजिए हमको पाइपलाइन चेंज करनी है, ढूंढनी है, खोजनी है, उसमें पैसा लगेगा, लोग मर रहे हैं, तो क्यों हम संज्ञान लेते नहीं? दो दो मिनिस्टर है रायपुर से और आगे पूरा अपने आप में बहुत बड़े नेता है भाई, विधायक ठीक है ना, विधायक के साथ आ रहे हैं सर, इसे ले लेंगे ना, तो इसको आना आगे आना पड़ेगा ना। मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी परिवार में किसी भी सदस्य की मौत होती है तो उसके परिवार वाले ही जानते हैं कि उन पर क्या बीतती है। जहाँ तक आप देख रहे हैं 10 सालों से महापौर कांग्रेस का है, कांग्रेस की जवाबदारी भी उतनी ही बढ़ती है जिससे हमारी बीजेपी। एक मिनट की बात आने दीजिए, मैंने इनको कहा कि महापौर तो आपका है, लेकिन महापौर में तो ऊपर कौन है? नहीं ठीक है, महापौर तो आपका ही है और महापौर मांग रहा है ना। हमारे मंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है और अभी आप देख रहे हैं कि ठक्कर बाबा वार्ड, रामनगर वार्ड, यहाँ पर करीब 17 करोड़ की लागत से नई पाइपलाइन बिछने के लिए तैयार हो रही है और मेरे ख्याल से एक दो दिन में उसका भूमि पूजन होने वाला है। लगातार हमारे मंत्री महोदय, हमारे विधायक महोदय लगातार आदमी कर रहे हैं। जैसे कि हमारे भाई लोगों ने बोला महापौर कांग्रेस नगर निगम पिछले 4 सालों में राज्य शासन ने 18 करोड़ की राशि सेंक्शन करके दी हुई है। नगर निगम पिछले 4 बार टेंडर कैंसिल हो चुका है, कैंसिल नहीं करा पाया, पूरा स्वीकृत नहीं करा पा रहा है कैंसिल टेंडर को। कल जाकर पाइपलाइन का टेंडर अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही नगर निगम ने टेंडर किया है और 17 करोड़ का कोई आदमी तैयार नहीं है करने के लिए। नगर निगम के लिए पूरी टीम लगी रही है, वो करा नहीं पा रही है। और जैसे कि आपने कहा सरकार तो बड़ी है भाई, इसको आपको मानना पड़ेगा, लेकिन जो काम नगर निगम सरकार पैसा दे सकती है, काम तो वहाँ के महापौर को करना पड़ेगा ना। और आपने विकास कार्यों की अगर बात की तो मैं आपको जगह से पीछा 10 साल लगातार पूछ रहे थे, तो पश्चिम विधानसभा एक ऐसा विधानसभा था जहाँ कहीं भी एंट्री नहीं है, ग्रामीण परिवेश का विधानसभा था। आप कोई भी जगह देख लीजिए, चाहे गुजारी, चाहे उगांव, चाहे आप गिरी नगर, कहीं भी आदमी वहाँ से एंट्री नहीं कर सकता था। सबसे पहला काम राजेश मूणत जी ने यह किया कि वहाँ पे एंट्री करने का काम, लोगों के लिए रास्ता बनाने का काम राजेश मूणत जी ने किया। और मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप विकास के मुद्दे पे भाग वाइज अलग अलग खंड वाइज अगर विकास की बात करना चाहें तो वो भी करा लीजिए। स्वास्थ्य का मामला हो, स्वास्थ्य के मामले में पूछा तो मैं बता दूं 100 बिस्तर का पहला अस्पताल पश्चिम विधानसभा में कुछ ही दिनों बाद खुलने जा रहा है और 5 तारीख को 30 बिस्तर। मैं इनके एक जो विपक्ष हमारा बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके पहले संतोष अग्रवाल जी ने चुनाव लड़ा, उसके बाद विकास जी ने चुनाव लड़ा और तरुण चक्रवर्ती ने चुनाव लड़ा, क्या ये चुनाव लड़ने के बाद इनकी कोई जवाबदारी नहीं बनती है? तो वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी चीज, हमारे भाई साहब थोड़े दिन पहले विकास विकास खोज रहे थे, जरा इनसे पूछ लीजिए ये कौन से विकास को खोज रहे थे और इनकी आमद जरा पार्टी में दिलवा दीजिए ये कौन से विकास को खोज रहे थे, ये अपने स्वयं उसके बता रहे हैं कौन से विकास को खोज रहे हैं। माननीय मंत्री जी
जब ये पीलिया का नहीं हुआ था ये दफन हुआ उसके पहले जल संपर्क यात्रा निकली थी आपको बता दूं मेरी बात जी जी मैं वही आपको बता रहा हूँ मैं जल संपर्क मैं बता रहा हूँ यही यही वो मंत्री जी है जो बिना हर छह माह में चाहे वो कांग्रेस दल का पार्षद हो चाहे वो भाजपा का पार्षद हो चाहे निर्दलीय पार्षद हो अपने पूरे विधानसभा के पार्षदों को महापौर को लेकर हर छह महीने में उनकी बैठक होती है और अगर ऐसा कोई बात है तो कांग्रेस के पार्षद उस बैठक में क्यों आते हैं क्योंकि विकास की ही बात है और जो भी उनकी समस्या होती है अधिकारियों को अगर इतनी बैठकें हुई आपके माननीय मंत्री जी ने इतनी बैठकें ली तो अब आप कह रहे हैं कि नगर निगम नहीं करा पा रहा है मैं एक इदारा को बता दूंगा भाई एक बात ये भी नितिन जी नगर निगम का काम एक मिनट नगर निगम की बात नहीं है बात तो ये भी है कि जब ये मौतें हुई कांग्रेस की कोई रिएक्शन बहुत बड़ा कांग्रेस का रिएक्शन आया नहीं जो कि भी अपना बर्थडे मनाने में ज्यादा बिजी नजर आए इन दिनों मुझे माफ कीजिएगा ये नजर आया मैं वो कह रही हूँ बिल्कुल सरकार दोषी है हमको कटघरे में सरकार को खड़े करने का पूरा हक है प्रजातंत्र में लेकिन इस विपक्ष की भूमिका में आज पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करते हुए रायपुर से न्यायदानी को जोड़ने वाली सड़क आज कई सालों से आप देख लीजिए जहाँ पे मजिस्ट्रेट मंत्री सांसदों का जिस सड़क से आना जाना है ये कहते हैं कि बहुत विकास की इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कितने सालों से पीडब्ल्यूडी में तीन बार मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल किया है अगले साल हो जाएगा छह महीने में हो जाएगा वो जैसे कहते हैं ना मेरे करण अर्जुन आएंगे वो मर जाते हैं उसके बाद पूरा जन्म लेके आते ऐसा होगा भैया जिले का प्रभारी यूथ कांग्रेस से मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता मैं हर माह में तीन बार जाता हूँ गाड़ी में और मुझे आपके घर के सामने रोड नाली सब बनी है कि नहीं बनी बता दीजिए नगर निगम में जब से किरणमयी आया और
दोबारा प्रमोद दुबे जी जीते हैं। प्रमोद दुबे का तो बड़ा दिखाना है तो कैसा नहीं तो भाई वो मंत्री जी और दुबे जी जाने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर संवैधानिक अधिकार जो महापौर के पास होते थे लगातार राजधानी बिलासपुर फिर भिलाई और इन क्षेत्रों में जीतने के कारण सरकार के नगरी प्रशासन विभाग ने संवैधानिक अधिकार महापौर से छीने। सामने अशोक अंकल है, आप पूछ लीजिए क्या अधिकार छीने। क्या आज आयुक्त को ज्यादा अधिकार है? नहीं, महापौर से क्या अधिकार छीने आप ही बता दीजिए। महापौर आयुक्त आपका जो आयुक्त है वो आयुक्त रहेगा। नगर निगम को आपसे बोले मैं सुन रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा, नगर निगम में जब जब काम की बात आती है तब मंत्री सामने आए ना आए, आयुक्त उनका प्रतिनिधित्व करते हुए महापौर से लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो भिलाई में देवेंद्र से लड़ते हो, चाहे वो वाणी राव जी से लड़ते रहे हो, चाहे किरण में जब किरण में नायक और प्रमोद दुबे से आयुक्त लड़ते रहे हो, बयान देना पड़ता है महापौर का। तो विकास में महापौर का कोई हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का एजेंट बन करके महापौर के खिलाफ जनता ने चुना है, बहुत ताकत लगा के आप चुनाव लड़े। नगर निगम में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। आप ये बोलकर इन बातों को नहीं घुमा सकते कि पूरे हमारे अधिकार छीन लिए। अगर अधिकार छीन लिए तो लड़ाई लड़िए साथ। आपको मैं बता दूं, ये विकास नहीं है, विकास के नाम पे एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए पश्चिम में हम आ जाते हैं,
हमारे आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी ने विकास की गाथा बताया। मैं पश्चिम विधानसभा का कार्यकर्ता हूँ। मैं बता रहा हूँ मैडम, डबल की चर्चा। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे बाजू में बहुत बड़ी झुग्गी बस्ती है मोतीलाल नगर करके। मैं जब सुबह उठता हूँ तो कचरे के दर्शन से हम लोग के दिन की शुरुआत होती है। हम लोग खुद साफ करते हैं, हम लोग बोल बोल के थक गए। इसी तरीके से रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी झुग्गी बस्तियां हैं। ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी कोई झुग्गी बस्ती तो कुकुरबेड़ा है, वहां चले जाइएगा। रामकुंड है, गुड़ियारी है, कोटा है, कबीर नगर है, रामनगर है। आप विकास की बात करते हैं, इन झुग्गी बस्तियों में आप एक बार जाके देखिए वहां क्या विकास हुआ है। आदमी वहां चल नहीं सकता, वहां पर घुस नहीं सकता, और घुस गया तो दो मिनट वहां खड़ा नहीं हो सकता। आप ऊपरी जो दिखावा जो है, आप कहते हैं कि वो जो दूर के ढोल सुहाने लगते वाले जो कहावत है, आप सड़कें कहां पर हो रही है। अभी आए थे क्या राजपुरा जी, उनकी जो यात्रा चल रही थी, क्या नाम था उनका? और
कहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पर जब कोई देखता है ना टीवी में इस टाइप की बहस होती है ना तो बोलते हैं सारे कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ रहे हैं। थोड़ा भगवानू जी ने कहा सुबोध हरिपाल जी ने कहा, नितिन बंसली जी ने कहा, उत्तम जी ने कहा, उनको समर्थन किया कि बोले कि कोई बड़ा बड़ी बस्ती है, मोतीनगर बड़ी बस्ती है। मैं कहता हूँ प्रत्येक वार्ड में कुछ न कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो बस्ती है, जो बस्ती होती है वहाँ पर निवास करते हैं। मैं कहता हूँ यही राजेश मूणत जी है जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे फिर उज्ज्वला योजना हो, फिर जनधन योजना हो, जनधन खाता खोलने की बात हो, यही मंत्री जी कहते हैं कि हमको बस्ती में जाकर वहाँ के लोगों को प्राथमिकता देनी है, बजाय वहाँ पर लोगों को खाता खोलना है, बजाय कॉलोनी में रहने वाले नाटा के लोगों को
से दाखिल क्या बोला था उसको लेकिन वही से जवाब दे लीजिए। अमा नाका के लोगों को जो अमा नाका में जो रेसे जो तोड़ फोड़ हुई है उसमें लोगों को मुआवजा मिल गया रेसी का जरा पता कर लीजिए जाके रामनगर में नहीं चुका है आपके खिलाफ या भाजपा की हो अगर जो पक्के में लिखा हो ना सरकार जब चाहे सरकार उसको अधिकृत कर सकती है ये तो नाम में लिखा चाहे कांग्रेस की आप नितिन जी बहुत परेशान खड़े हो अभी अगर ये जो इलेक्शन आने वाले समय में क्या लगता है आपको विधानसभा का आपको सीट दिख रहा है। देखिए रायपुर पश्चिम विधानसभा का सीन तो पिछले विधानसभा में ही क्लियर था तो जीत गए वो तो दूसरी बात है कि कांग्रेसियों की जो गाड़ियां थी वो माननीय मंत्री जी के बगले के बाहर ज्यादा खड़ी कर पहले तो आप भी इसी में थे क्या इसलिए अलग हो गए ना भैया गाड़ी में शामिल देंगे हम इसलिए गाड़ी में शामिल नहीं हुए आज इसलिए मैं अलग खड़ा हूँ क्योंकि मैं उन गाड़ियों में शामिल अभी कैसे भी दिख रही आपको अभी की स्थिति ये है बढ़ गया 50-50 अब आपको 50-50 लग रहा है एक तो पूरा मुद्दा जो था मैडम आपकी चर्चा का वो तो मुझे ऐसा लगा नूरा कुश्ती में निकल गया किसी ने भी समस्याओं के समाधान की बात नहीं की ये कैसे एक तो वो जन धन योजना वाला भैया भगवान भैया पकड़ लो इनको उद्घाटन मंत्री के नाम से ज्यादा पहचानता हूँ कहीं भी हो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बताइए छत्तीसगढ़ के जो विकास कार्यों को और रहा सवाल आपके महापौर मैं तो कल से यही देखना चाह रहा था ये प्रश्न चिन्ह लगा है मैं आज तक न महापौर को कहीं देखा सार्वजनिक रूप से न उनका कोई दूसरी बात स्वच्छता की बात करते हैं आप सुविधा उपलब्ध कराना नगर निगम प्रशासन कहाँ खोया हुआ है आपके महापौर परिषद के लोग आपके पार्षद जाके हमारे नगर प्रशासन आप लोगों को मुद्दा ही नहीं है खोज रहा हूँ विकास को लोग खोज रहे विकास पागल हो गया सर हम लोग विकास विकास पागल हो गया मैं तो जरा इनको कहता हूँ कि अपने पागल का जरा विकास करा ले एक बार मैं विकास विकास आपका पागल है हमारा आपका मैं तो बोलता अपने विकास का जरा हमारा विकास जी मैं ये कह रहा हूँ हम लोग हमारे विकास का विकास हमारे विकास जो जिस गलत फहमी में भाजपा और कांग्रेस है 2018 का चुनाव वो जिस तरह से सोच रहे हैं कि परंपरागत तरीके से वो जीतते आए हैं चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो 2018 का चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं होगा ये 2018 का जो चुनाव होगा भाजपा ही हारेगा तो हराएगी भाजपा ही भाजपा को हराएगी मैं
विकास का नाम दे वो हम तो विकास का नाम ही नहीं लेते, हमारे पास विकास नाम की बात नहीं है, हम दूसरे हिसाब से जमीन पे काम कर रहे हैं। मैं पूरी बात नहीं हुई, मेरी बात सुनिए, आपके पास चेहरा कौन सा, आप किस चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, धोती पहने हुए देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है, इधर भी वो प्रॉब्लम की गर्मी है, संतोष कोहली अरविंद जी की साथी थी दिल्ली में, अच्छा टिकट दे दिया, मैं आप पूरी बात तो साथ संतोष आप वाले क्या बोल रहे हैं, द्रोहियों के साथ मिलकर इन्होंने जो काम किया पूरा छुपा मैं इनकी बातों पे आऊंगा। संतोष कोहली का जो भाई है जब ये मुद्दा खुला हुआ राशन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, संतोष कोहली की मौत हुई, कांगड़ा में उनको उनके भाई को जब टिकट दिया गया जब टिकट वो जीत कर आया तो संतोष कोहली का भाई बाटी खेल रहा था, आप क्या बाटी खेलने वाले हैं, बात ये नहीं है, मैं कहने का मैं कहना ये चाहता हूँ कोई मतलब है और अगर खत्म करेंगे अब क्या आप नहीं कर सकते, दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि जो मूलभूत काम है उस पर सब कह रहे हैं, अशोक पांडे जी भी कह रहे हैं और अमित अचरी जी ने बहुत कहा कि वो हमारे इनविजिबल पैनलिस्ट दोनों ने बहुत कहा, विजिबल थे, बहुत अच्छी बात है, इन लोगों ने कहा कि बाकी सब काम होंगे, विश्वविद्यालय बनेगा, अभी उद्घाटन होगा, विद्यालय बनेगा, भैया ने कहा जागरूकता फैलाई जाएगी, क्योंकि अभी तो आपको अगली ऊर्जा मैदान में खर्च करनी है।
बीजेपी से भी बहुत सारी चीजें सामने आई है, लेकिन हाँ कुछ विषय तो है जिन पर मंथन चिंतन करने की जरूरत है। तो ये बहस निरंतर चलती रहेगी। यहाँ अल्प विराम हम लेंगे, पूर्ण विराम हम नहीं लगाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ डॉट इन। For exclusive news, keep watching Chhattisgarh's first online news channel and portal.